हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओट्स रस्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ओट्स रस्क हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है और हेल्दी भी है। ओट्स वैसे भी हेल्दी होते हैं, चाहे आप उसको किसी भी रेसिपी में खाओ, जैसे कि ये रस्क भी अभी नए लॉन्च हुए हैं, या फिर आप वैसे ओट्स खा सकते हैं नमकीन, या फिर मीठे ओट्स भी आते हैं आजकल, मतलब जिसको हम दूध में बना के खा सकते हैं, वो भी बड़े टेस्टी होते हैं और बड़े हेल्दी होते हैं। ये हार्ट के लिए अच्छे होते हैं और वैसे हेल्दी होते हैं। 6 महीने से ऊपर के बच्चे इसे खाएं तो बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए हेल्दी, वो कभी बीमार नहीं होते जल्दी। उनको दूध में ऐसे मिला के अच्छा खिलाएं तो वो जल्दी बीमार नहीं होते और हेल्थ बनी रहती है। और बड़े भी इसे खाएं तो हार्ट डिजीज़ वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें ना तो ऑयल वगैरह है और टेस्टी डिशेस हैं। इसके कुकीज़ आते हैं और भी कई, चॉकलेट कुकीज़ आते हैं और पिस्ता कुकीज़, कई टाइप के कुकीज़ आते हैं। बिना अंडे का केक भी आता है, एगलेस केक, वो भी बड़ा टेस्टी होता है। इसमें देखिए वीट रिच है, मतलब गेहूं से अच्छा भरपूर है और ओट्स भी है इसमें। और इसमें ये इंडिया का बना हुआ है, FSSAI से ये मान्यता प्राप्त है। और ये देखिए वनीला केक है जैसे इसमें, और एक स्ट्रॉबेरी केक है, चॉकलेट केक है, और एक और है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी है, एनर्जी 421 कैलोरीज है, प्रोटीन 8.3 ग्राम है। प्रोटीन भी इसमें अच्छा खासा है, पर 100 ग्राम पे प्रोटीन भी अच्छा है, हाई प्रोटीन है, अच्छी डिश के हिसाब से अच्छा है। ट्रांस फैट 0 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, सोडियम 274 mg है। अगर आप इसको क्रश करके ओट्स रस्क को आइसक्रीम के स्कूप में डालेंगे, कोन के स्कूप में, तो भी बड़ी अच्छी आइसक्रीम बनती है इसकी। वनीला पे अगर आप इसको क्रश करके डालेंगे, इसके वेफल्स भी बन जाते हैं, वेफल्स, ओट्स वेफल्स, बड़े टेस्टी लगते हैं। पोषण अच्छा बनाता है। ये हमने जो अभी ले रखा है ये ओट्स रस्क है, नया ही लॉन्च हुआ है और बड़ा टेस्टी है। आप भी इसको ज़रूर खा के देखिएगा, आपको भी आनंद आएगा। ओनली 45 रुपीज़ का है ये और बड़ा टेस्टी प्रोडक्ट।